अस्सलाम वालेकुम मैं आया मौजूद हूँ पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर से अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ द कम्युनिटी एंड वी आर प्राउड टू कॉल हिम वन ऑफ द अमेज़िंग सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान फ़ाखिर महमूद साहब फ़ाखिर भाई ने भी पिछले दिनों मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की उसकी झलकियाँ आपने टैक टीवी वी पर देखी दाऊद जान साहब ने पहले दिन से हमने अनाउंस किया था ही वॉज प्रमोटिंग इट वी थैंक टैक टी वी एंड वी थैंक दाउद जान फॉर दिस ग्रेट ग्रेट हेल्प टू अर्स फ़ाखिर भाई बात है माशाल्लाह जब आप आए यहाँ पर और चौदह अगस्त की जब बात होती है Uh, मुल्क में मुल्क से बाहर भी बड़े कॉन्सर्ट्स में फ़खिर यू देयर माशाल्लाह इन तुम्हारे गाने द हैव इज़ आर अमेजिंग फॉर दैट वन एंड वी एंड आई इट फॉर द लास्ट टेन फिफ्टी इयर्स इवन इन इन कैनेडा विद डिफरेंट फेस्टिवल्स ये बताइए कि हाउ वज योर एक्सपीरियंस एट द मिल्टन दिल्फू फेस्टिवल एंड स्पेशली दिस ट्रिप टू कैनेडा आफ्टर कोविड इस बार तो जी कमाल ही हो गया शायद कोविड के बाद एकदम लोगों को एक फ्रीडम uh, मिली थी या जो भी कह लें लेकिन मिल्टन में मैं एक बार पलेडियम में भी परफॉर्म कर चुका हूँ लेकिन ये मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल वज़ मेमत इट वज़ जाए गेंटक एट वाज ह्यूज एंड वैसे कि यहाँ पर कुछ पोलिटिकल गैदरिंग्स भी हुई हैं कुछ मेन uh, स्ट्रीम लेकिन ये उनसे भी बड़ा था तो बड़े की और उसकी बात नहीं है बात यह कि पाकिस्तानियों का इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेसन और उस इलाके का हिस्ट्री का सबसे बड़ा और जाए इवेंट होना ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है तो आई आई एम रियली ऑन टू बी पार्ट ऑफ देट हिस्टोरिक इवेंट आप कह लें कि टिल दिस डेट वो सबसे बड़ा इवेंट था वहाँ के तो माशाल्लाह जाहिर है मार्केटिंग और प्रमोशन बहुत अच्छी थी इन लोगों की मार्केटिंग इन लोगों की इनकी मार्केटिंग इनकी प्रमोशन वर्स फैंटास्टिक ही डिमांडेड कि मैं बहुत सारे डिफरेंट प्रोमर्स बनाऊं और That मैंने new, eh? like हाँ तो आई जस्ट आट के एक hmm. गिलगित से मैंने बना के भेज दिया एक इनको खर्दू से बना के भेज दिया एक मैंने इस्लामाबाद से भेज दिया एक मैंने लाहौर से, से भेजा एक मैंने बाबुल से टॉप से भेजा <laughs> तो मैंने चार पांच हर जगह से मैंने अलग अलग गाने इनको भेजे मख्तफ सीन मख्तल मौसम कहीं पर कुल्फ़ी जम रही थी और कहीं पर गर्मी लग रही थी इट वॉज़ जस्ट ऑसम तो Uh, देखें जो भी आप काम करें उसमें मज़ा लें और मज़ा लें प्रेशर भी लें लेकिन इंजॉय करें इंजॉय के बगैर बात बनती नहीं है जमते नहीं है और जब तक मज़ा नहीं आता इसका मतलब है कि दिल से चीज़ नहीं निकल रही और जब दिल से चीज़ निकलती है तो आपके दिल से रेजनेट करती है तो सारा कमाल है दिल से दिल मिलने का फ़ाखिर महमूद परफॉर्म कर रहे हैं जिना जिना अवार्ड अवार्ड हिल्टन मार्कम मार्कम एंड एंड वी आर सो प्राउड दैट थर्ड इज़ हैपनिंग इन विल बी जिनावर Uh, a guest, also, ambassador uh, to promote Jana in Toronto with us, and also an amazing, amazing performance will happen. So, Fakir, we are so proud that you accepted the invitation, and inshallah, September 3rd, go. आप क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत कंसेप्ट को जो डॉ राशिद साहब डॉक्टर हामिद साहब लेके आए हैं इन रिगार्ड्स टू तो जना एवॉर्ड ये बहुत ज़रूरी भी था मेरे ख्याल में क्योंकि फाउंडर ऑफ फा आ कंट्री अगर हम अपने फाउंडर ऑफ़ फा आ कंट्री यानी हमारी कौम के बाप अगर हम जना साहब को इज़्ज़त और रिकगनीशन और प्रमोशन अगर हम उनकी नहीं कर सकते दुनिया भर में तो हमारी शनाख्त हमारा मुल्क हमारा मुल्क बनाने वाला हमारा बा कॉम उनको उनकी रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है हम और मुल्कों को देखते हैं वो अपने फ़ाउंडर्स की अपने फाउंडिंग फादर्स की बड़ी इज़्ज़त बनाते हैं तो हमारा तो यार था ही बड़ा ग्रेट आदमी था वो जिसने जेल जाए बगैर एक गोली चलाए बगैर ही अचीव द सेपरेट होम लैंड फॉर फॉर आस फॉर आस पाकिस्तानीज़ और आज की तारीख जो आस पास अड़ोस पड़ोस में हो रहा है अब तो जो लोग पहले कन्वेंस नहीं थे वो भी कन्वेंस हो गए हैं कि ये खत्ता कितना जरूरी था हमारी अपनी ज़मीन हमारा अपना वतन कितना इम्पोर्टेंट था तो जनाह साहब के नाम से मंसूब ये अवार्ड और ये सोसाइटी ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए हमारी जो बच्चे हैं जिनको शायद नहीं भी पता उनका और अपनी कंट्री से वो अलग हैं यहाँ पैदा हुए हैं उनके लिए भी उन कंट्री ऑफ रिलिजन का और उसके फाउंडिंग फादर का पता होना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंड ऑफ द डे जितने मर्ज़ी गोरे हो जाओ जितने मर्ज़ी बाल सुनहरे कर लो कर लो रहना पाकिस्तानी है रहोगे पाकिस्तानी खमीर वही है पाकिस्तानी मिट्टी वही है पाकिस्तानी कल्चर वही रहना है हमारा वही हमारा पठान पंजाबी सिंधी हमारे सब कल्चर्स जो ख़ूबसूरत गुलदस्ता जो इस कौम का है जब इकट्ठा होता है तो पाकिस्तान बनता है और इस पूरे गुलदस्ते को इकट्ठे करने वाला कौन मोहम्मद अली जना तो मिलत के इस पास बँ को इज़्ज़त देना इसको रिकगनाइज़ करना इज़ इम्पोर्टेंट और डॉक्टर साहिबान जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है मैं सल्यूट पेश करता हूँ उनको इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आइडिया एंड उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी जौक दर जौक इस इवेंट के अंदर आएंगे ये ज़रूरी है ये हमारे अपने लिए ज़रूरी है हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है क्योंकि अपने हेरिटेज अपने कल्चर से जुड़े रहना यही आपकी फ्यूचर की दलील है यही आपके फ्यूचर की एक सर्टिफिकेशन या जो भी कह लें तो इट्स इम्पॉर्टेंट के इस अवॉर्ड के साथ जुड़ा जाए इट्स इम्पॉर्टेंट इट्स अ वेरी प्रस्टिजियस इवेंट तो इसको मिस नहीं करना इसका टिकट जो भी है आप लोग लें और आएँ और इन्जॉय भी करें